हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंप्लीफाइड बाय ओसीडीसी सो अगर आप नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ कुछ डेमो क्वेश्चन जिसका टॉपिक रहेगा जीन मैपिंग तो जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉबीबलिटी होती है सो so, अगर कंप्लीट वीडियो सीरीज़ का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी वन मंथ की वन नाइनटी नाइन ऑनली तो एक सौ निन्यानवे रुपया पे करके मेंबरशिप प्लान जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे हर टॉपिक के साथ रिलेटेड एम सी क्यू ओ को विद सोल्यूशन करवाए जाएंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू क्रिएट अ जेनेटिक मैप जेनेटिक मैप को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन आपके पास है डीएनए सीक्वेंसिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस साउदन ब्लॉटिंग या फिर लिंकेज एनालिसिस तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी लिंकेज अनालिसिस तो लिंकेज एनालिसिस करके जेनेटिक मैप तैयार किया जाता है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर जेनेटिक डिस्टेंस इज इन आ जेनेटिक मैप अब जो जेनेटिक मैप तैयार किया जाता है उसके ऊपर जीन्स की सीक्वेंस को दिखाया जाता है कि कौन सा जीन एक दूसरे से कितनी दूर है या कितना नज़दीक है तो दो जीन्स के विचकार का जो डिस्टेंस होता है उसको जेनेटिक डिस्टेंस बोलते हैं और उस डिस्टेंस को मापने का जो यूनिट है वो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी सेंटी मॉर्गन तो थॉमस हंट मॉर्गन के नाम से ये यूनिट का नाम पड़ा है ठीक है जिसका नाम है सेंटी मॉर्गन तो वन सेंटीमोर्गन का मतलब होता है कि एक यूनिट डिस्टेंस है बिटवीन द टू डिफरेंट जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ जेनेटिक मैप प्रोवाइड अ फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोजोम किसी एक क्रोमोजोम के ऊपर किसी पर्टिकुलर जीन की लोकेशन को पता लगाने के लिए फिजिकल लोकेशन को पता लगाने के लिए कौन सा जेनेटिक मैप उपयोगी होता है तो आंसर आएगा ऑप्शन सी फिजिकल मैप ठीक है option, C, जी तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर चार पे तो क्वेश्चन नंबर चार आपका है कि विच व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग थ्रू अ लिंकेज एनालिसिस लिंकेज एनालिसिस के थ्रू जीन मैपिंग का जो मेन आधार है वो क्या है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए क्रॉसिंग ओवर ठीक है क्रॉसिंग ओवर का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जितनी लिंकेज ज़्यादा होती है दो जीन्स के बीच उतनी क्रॉसिंग ओवर कम होती है ठीक है दूसरे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है जितनी जीन्स के विचकार लिंकेज ज़्यादा उतनी क्रॉसिंग ओवर कम और जितनी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा उतने रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन हो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कैपिटल इज स्माल एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल दैट इज स्मॉल ए स्मॉल ए वट इज एक्सपेक्टेड रेशियो फॉर द रिकॉम्बिनेंट ऑफ स्प्रिंग इफ टू जीन्स आर लिंक्ड ठीक है जी अब क्या एक टेस्ट क्रॉस दिया गया है ठीक है एक हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के बीच में होता है ये क्रॉस हमेशा तो इसकी एक्सपेक्टेड रेशो पूछी गई आपसे तो इसका आंसर आएगा वन इज़ टू वन तो टेस्ट क्रॉस की जो रेशो होती है दैट इज ऑलवेज वन इज टू वन ये आपने याद रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजर टू जीन्स आर ऑन अ क्रोमोजोम द डैश द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दैम अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जितनी दो जीन्स के बिचकार दो जीन्स के बचकार लिंकेज ज़्यादा होएगी मतलब जितने वो क्लोज होएंगे तो उतना रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो जितनी लिंकेज ज़्यादा होती है जितने दो जीन आपस में बहुत क्लोज होते हैं उतनी क्रॉसिंग ओवर कम होती है तो क्रॉसिंग ओवर कम होने से रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी भी कम होती है तो आंसर आएगा ऑप्शन बी लोअर नेक्स्ट क्वेश्चन विच टेक्निक इज कॉमनली यूज टू क्रिएट अ फिजिकल मैप ऑफ अ जीनोम एक जिनोम का फिजिकल मैप तैयार करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है आंसर आएगा ऑप्शन बी आर एफ एल पी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलिमॉरफिजम तो आर एफ एल पी की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में बहुत पर पूछी गई है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जेनेटिक मार्कर इन अ जीन मैपिंग जीन मैपिंग में जेनेटिक मार्कर का क्या काम होता है सो so, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर जीन किसी पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस का पता लगाना हो किसी ऑब्जेक्ट किसी ह्यूमन में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो उसके लिए जेनेटिक मार्कर का जो काम है जो उपयोग है वो किया जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ जीन मैपिंग जीन मैपिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी डिटरमाइनिंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोजोम किसी क्रोमोजोम के ऊपर किसी पार्टिकुलर जीन की लोकेशन का पता लगाना इसके लिए जीन मैपिंग की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिक मार्कर कॉमनली यूज इन जीन मैपिंग स्टडीज जीन मैपिंग स्टडी में निम्नलिखित में से कौन से जेनेटिक मार्कर का यूज़ किया जाता है इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ठीक है C, enzymes, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज क्वेश्चन नंबर इलेवन इन जीन मैपिंग व्हाट डज अंटी मॉर्गन मेजर सेंटीमॉर्गन अभी आपको मैंने इसी वीडियो में बताया है कि एक यूनिट है टू मेजर द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स तो आंसर आएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल स्कोर इन लिंकेज एनालिसिस तो यहाँ पे एल का मीनिंग होता है लॉग्रिथम ऑफ ऑर्ड्स तो इस स्कोर का लिंकेज एनालिसिस में क्या सिग्निफिकेंस है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी इट मेजर द डिग्री ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव एल स्कोर होगा तो उतनी लिंकेज ज़्यादा होगी ठीक है स्कोर इज अ स्टेटिस्टिकल मेजर यूज इन लिंकेज एनालिसिस टू असेस द लाइवलीहुड ऑफ जेनेटिक लिंकेज मतलब यहाँ से ये यह संभावना पता लगाई जाती है कि दो जीन आपस में कितना ज़्यादा लिंक हो सकते हैं या नहीं तो उसके लिए लॉर्ड स्कोर से पता लगाया जाता है अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच मैपिंग टेक्निक relies ऑन the determination सॉरी डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डी एन ए तो कौन सी मैपिंग टेक्निक है जो डिटेक्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डी एन ए के ऊपर आधारित होती है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी साउदर्न ब्लॉटिंग ठीक है तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग साउदर्न ब्लॉटिंग से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन तो ये आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन थ्री पॉइंट टेस्ट क्रॉस हो मैनी डिफरेंट गैमिट कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल अब थ्री पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि जितने पॉइंट होते हैं जैसे यहाँ पर तीन की बात की गई है तो उसका फॉर्मूला होता है टोकी पावर एन तो एन यहाँ पे हो गए तीन तो टोकी पावर तीन कितना हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू दैट इज एट सो यहाँ पे एट डिफरेंट गैमिट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज हैप्लोटाइप हैप्लोटाइप क्या होता है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी अ सेट ऑफ लिंकड जेनेटिक मार्कर्स ऑन अ सिंगल क्रोमोजोम एक ही क्रोमोजोम के ऊपर जो लिंक्ड जेनेटिक मार्कर प्रेजेंट होते हैं उसके कंप्लीट सेट को हैप्लोटाइप बोलते हैं सो हैप्लोटाइप रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अलीवस एट डिफरेंट लोकेशन ठीक है डिफरेंट लोकेशन मतलब डिफरेंट पोजिशन दैट आर यूजअली इनहेरिटेड टुगेदर मतलब जब ये अगली जनरेशन में पास होते हैं तो ये एक साथ होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रीकुंट रिकॉम्बिनेशन मतलब इनमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होते सो जितने अलील्स एक क्रोमोजोन के ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं और जिनका पूरा सेट आगे पास होता है एक जनरेशन में तो उसको हैप्रोटाइप बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच टाइप ऑफ जीन मैपिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वन अबाउट द ऑर्डर एंड डिस्टेंस बिटवीन जीन्स अब इसका अर्थ क्या हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया कि जीन मैपिंग किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है अबाउट द ऑर्डर एंड डिस्टेंस के मतलब जीन्स किस ऑर्डर में लगे हुए हैं मान लो हमारे पास तीन जीन है एक्स वाई जेड ठीक है तो पहले एक्स है या पहले वाई है तो एक्स वाई जेड या वाई जेड एक्स किस तरह का सीक्वेंस है और एक्स और वाई में या वाई और जेड में कितना डिस्टेंस है तो ये पता लगाने के लिए इसको आंसर इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इसको बोलते हैं लिंकेज मैपिंग तो लिंकेज मैपिंग से हमें पता चलता है कि एक्स और वाई में या वाई और जेड में या जेड और एक्स में कितना ज़्यादा डिस्टेंस है तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी लिंकेज कम होएगी ठीक है तो ये आपको क्लियर होंगे सारे क्वेश्चन जिसका मेन टॉपिक था जीन मैपिंग सो सबसे ज़्यादा वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और कंप्लीट वीडियो सीरीज़ परचेज़ करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं वन नाइन्टी नाइन पे करके ओनली ठीक है तो उसके लिए आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग